हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो, आई होप आप सब सेफ हो अपने घर पे। एंड आज हम दोनों मुस्की और मैं इधर आए हैं क्योंकि हम लोगों को आपको बताना था कि लास्ट मंथ से घर पे क्या हुआ हमारे साथ। हाँ, लाइक हमको सिर्फ अपडेट देना था कि व्हाई वी बोथ वेंट ऑफ सोशल मीडिया फॉर अ व्हाइल। ऑनेस्टली मैं थोड़ा फिर भी एक्टिव था, देन बीच में क्या हुआ कि मुझसे नहीं हो रहा था, सो आई जस्ट टुक अ ब्रेक। एंड मैंने ये चीज़ अनाउंस भी की थी और लोग काफ़ी टेंशन में आ गए थे। मैंने तभी लोगों को बोला था कि चीज़ें ठीक हो रही है, बट लास्ट मई नहीं, मम्मी पापा टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। एंड मुस्की, it was very shocking and it was out of nowhere. मतलब they did not even have इतने symptoms. उनको fever था, फिर 1 week बाद we just precautionary test कराया हम चारों ने, and they both tested positive, we both tested negative. मैं आपको बताऊँ, जब पहले दिन जब हमको, मतलब सुबह को मैं उठा, मम्मी ने आके मेरे को ये चीज़ बताई कि ये हुआ है, मैं तो नम था एकदम। मतलब एक होता है कि आपको जब पता चला, मुस्की आई थिंक asleep, you came and told me. या मैंने मुस्की को बताया आके कि ये चीज़ हुई है। एंड मैं मेरे को नहीं आइडिया था कि इस पर रिएक्ट कैसे करूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। एक दिन तो मतलब मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। एक वो आपके साथ होता है ना कि दिमाग में इतनी सारी बातें हो जाती है, एंड आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, मम्मी पापा किधर निकले भी नहीं थे, एंड हम मतलब घर पे थे। मतलब मैं, हम लोग वीडियोस में एक हम लोग कहते रहे, शूट भी हमने पूरा घर पे किया। हम कंटिन्यूअसली वीडियोस में कहते रहे कि यू नो, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। एंड वी हैव नो आइडिया कि कहाँ से हुआ, एंड इट वाज वेरी सडन। एंड आफ्टर माय पेरेंट्स टेस्टेड पॉजिटिव, तो आर चाचू स्टार्टेड शोइंग सम सिम्टम्स, तो वी गॉट हिम टेस्टेड, ही टेस्टेड पॉजिटिव। उसके बाद सेकेंड फ्लोर पे और चाची एंड आदि टेस्टेड पॉजिटिव, दैट 10-year-old किड, आदि आदित्य, दैट वाज द क्यूट किड इन दिवाली वाला वीडियो, दैट वाज आई थिंक सबसे ज्यादा शॉकिंग था। मैं, जब उसकी रिपोर्ट आई, मैं फूट फूट के रो पड़ा उस दिन। ऑल ऑफ अस, हम घर में बहुत बहुत बहुत, क्योंकि वो बच्चे को हुआ। एंड मैं जब फ्रेंड्स से बात करना चालू किया इसके बारे में, आई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। एंड आज हम लोग ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं गाइस। मतलब ये इतना अनएक्सपेक्टेड है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कि मतलब काफ़ी लोग अभी भी, आई गेस काफ़ी लोग इसको बहुत इतना हल्के में ले रहे हैं, वेरी वेरी लाइटली। बट द थिंग इज कि वी स्टिल डोंट नो कि मॉम डैड को कैसे हुआ, या चाचू चाची को कैसे हुआ, आदि को कैसे हुआ। तो इट वॉज वेरी सडन, एंड कहीं से भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। एंड यू गाइज नो आर पेरेंट्स आर वेरी फिट, लाइक दे आर वेरी फिट, दे टेक केयर ऑफ देयर सेल्स, बहुत उनका लाइफस्टाइल इज वेरी, आपने तो डैड को देखा ही है, लाइक दे आर वेरी हेल्दी, वेरी मुझे कमेंट्स आते ही इज लाइक यंगर टू मी। एंड सो आप, वो ही वर्क्स हार्ड, ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ, मम्मी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ, दे आर वेरी 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 हेल्दी, वेरी हेल्दी, अच्छा खाते हैं। लाइक टेस्ट कराने के पहले भी लाइक कि सिर्फ प्रिकॉशनरी है, किसी को कुछ नहीं होगा, बट देन आई थिंक व्हेन आशू केम एंड टोल्ड मी, इट वाज हॉरिबल। एंड द लास्ट मंथ हैज बीन सो स्ट्रेसफुल फॉर अस। जैसे ही पता चला, वो लोग को होम क्वारंटीन कर दिया उनके रूम में, फिर उसके बाद इट वाज जस्ट अ वेरी स्ट्रेसफुल। मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब मेरी दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ चल रही थी कि हमको तो घर है, हमको, हम तो इधर है घर पे, हम ध्यान दे पा रहे, वी हैव बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव एवरीथिंग। जो बाहर लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास क्वारंटाइन होने के लिए जगह नहीं है, आई डोंट नो वो किस चीज़ से जा रहे होंगे। मतलब हमारे पास सब कुछ होके हमने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की। मैं आपको बताऊँ, मुस्की, मैंने मुस्की को लाइफ में इतना स्कैर्ड कभी नहीं देखा। मतलब शी इज़ वेरी, मतलब उसकी थोड़ी ब्लंट है, मतलब शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी मेक्स मी स्ट्रॉन्ग। बट मुस्की को देख के ऐसा मैं भी रो पड़ा, मैं मतलब इतना शॉक हो गया था, मैंने मुस्कान को कभी ऐसे नहीं देखा है, तो वो चीज मेरे को इतना हिट कर गई। एंड चाचू चाची आर ओल्ड, दे आर 60+, तो उनके साथ वी कुडंट टेक द रिस्क ऑफ यू नो क्वारंटाइनिंग देम एट होम, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। मतलब काफी दिन थे वो लोग हॉस्पिटल में थे चाचू चाची। एंड आपको बताऊं, नेक्स्ट डे पे हमारे भाई, हमारे मामा के लड़के ACV टीम से, जशू एंड तन्नी, वो भी, दे आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव, उनको भी होम क्वारंटाइन, सेम लाइक मॉम डैड।
गॉड नोज ये कैसे हुआ, नो सिम्टम्स एट ऑल, किसी को सिम्टम्स नहीं, इट वॉज जस्ट अ प्रिकॉशनरी टेस्ट. सिंस देन लास्ट वीक आई हैड सिम्टम्स, मैंने फिर से टेस्ट कराया, थैंकफुली वॉज नेगेटिव. ये सबसे बड़ा शॉक था कि मुस्की और मैं नेगेटिव है, मतलब एज सून एज पहले पप्पा का पता चला, फिर मम्मी का पता चला, फिर चाचू चाची आदि जशु तनी, हाफ ऑफ योर फैमिली हैज टेस्टेड पॉजिटिव. 10 पीपल इन दिस हाउस आउट ऑफ व्हिच 5 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव, तो वो हाफ एंड हाफ हो गया था हमारे घर में, एंड इट वाज वेरी स्कैरी, बहुत स्कैरी. मतलब आप, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इसके बारे में सुनते हो ना, कोरोना कोरोना सब बात करते हैं, ये टॉपिक में निकल जाता है, बट व्हेन यू जस्ट सी इट अप क्लोज एंड पर्सनल, व्हेन इट हैपेंस अराउंड यू ना, इट्स भले ही मॉम डैड असिम्टोमेटिक थे, भले ही सिम्टम्स नहीं थे, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी थैंकफुल कि मतलब इट वाज नॉट सिवियर टू देम, बट इट्स स्कैरी गाइस. या दे हैड, मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद थोड़ा फीवर, थोड़ी वीकनेस, बट नथिंग सीरियस. चाचू वाज सिक, बट वो भी अभी ठीक हो गए, एवरीबॉडी इज फाइन, दैट वाज द रीजन ऑफ कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू. सो गाइस, आज हम लोग मतलब आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि वी डिसाइडेड टू यू नो कम एंड एक्सप्रेस दिस एंड यू नो इन्फॉर्म यू गाइस कि अब टेंशन नहीं है, मॉम डैड एवरीबडी इज फाइन, दे आर रिकवरिंग. वी जस्ट मेड दिस वीडियो कि प्लीज हम लोग आपसे हाथ जोड़ते कि प्लीज ध्यान घर दो, पे रहो, घर पे रहो, एंड अगर आप बाहर जा रहे हो मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग. मैं सच्ची में हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को हो गया ना, आपको बहुत बुरा फील होएगा. मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कितना आप लोग मेरे को चलो बड़ा मानते हो, मैं इधर मेरी हालत देख रहे हो, मुस्कान की हालत देख रहे हो, तो हम एज एन इन्फ्लुएंसर, आप हमको इन्फ्लुएंसर मानते हो, यूट्यूबर जो भी मानते हो, हम आपसे जेन्युइनली रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गाइस ध्यान दो, प्लीज टेक केयर. और स्पेशली गवर्नमेंट एडवाइस कि 10 इयर्स के नीचे के बच्चे और 50 प्लस लोग स्पेशली हैव टू टेक केयर, बिकॉज आई एम समबडी जो सारा टाइम मॉम डैड को हग करते हैं, सारा टाइम उनके साथ सोए रहते हूँ, सारा टाइम आई एम अ वेरी चिपकू पर्सन. मुझे नहीं हुआ, मे बी इट्स बिकॉज आई एम यंग, बिकॉज माई इम्यूनिटी इज स्ट्रांग, बट ऑलवेज नो दैट यू कैन बी अ कैरियर टू यू कैन बी अ कैरियर, एंड आपको नहीं होगा, बट देयर आर चांसेस कि उनकी इम्यूनिटी नहीं ले पाए. एंड आपको एक बात बताऊँ, ये जो एटीट्यूड रखा है ना लोगों ने कि जाने दो, देखा जाएगा जब होगा देख लेंगे, आई स्वेयर देख नहीं पाओगे, आप लोग नहीं देख पाओगे. अभी आपको बताओ क्या हुआ, जैसे ही मम्मी पापा डिटेक्ट हुए, तो मम्मी पापा को रूम में हम लोग ने क्वारंटाइन किया 21 days, ऑलमोस्ट 21 days. मुस्की, मोस्टली मुस्की एंड मी, वी मतलब ऐसे सर्विस की है मम्मी की, पापा की, एवरी डे थिंकिंग की बस यार ठीक हो जाए. वी वर एक्सट्रीमली, वी जस्ट वांटेड देम टू बी ओके. सुनने में ऐसा लगता है कि होम क्वारंटीन कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, बट यू गाइज कैन नॉट इमेजिन, बींग इन अ रूम फॉर 21 days इज नॉट ईजी. प्रॉब्लम इधर हम अपने स्ट्रगल की बात नहीं कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं. हैट्स ऑफ टू मॉम डैड कि एक रूम में बैठना, आदि स्पेशली, ही इज आदि सारा टाइम ऊपर नीचे, कभी इसके साथ कभी मेरे साथ, हाउ मेनी डेज, 20 दिन वो बच्चा अंदर रूम में रहा है, उसको बाहर नहीं, टेबल रख देते थे उससे खाना, कॉन्टैक्ट लेस, मतलब उनको अपने बर्तन भी खुद धोने, कपड़े भी खुद धोने, इमेजिन ऑल दैट फॉर अ 11-year-old किड. 11 year को, एंड वो बच्चे ने जो पेशेंटली, हिम्मत और पेशेंस दिखाई, मतलब वीवर लाइक ये नहीं कर पाएगा. उसकी मॉम तो बोल रही थी कि मैं इसको, वो अकेला सोता भी नहीं है, वो रूम में सोता था, उसके लिए हॉल में बाहर सोना पड़ता था किसी को, क्योंकि वो अकेला सोता नहीं, इज वेरी स्मॉल, तो उसके इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैं वापस ये चीज बोलता हूँ कि मतलब ये तो मॉम डैड आदि चाचू चाची, इनको सिवियर तो हुआ नहीं था. वो लोग जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में, वो लोग जो मिडिल क्लास है, आई कांट इवन, जिनकी इम्यूनिटी लो है, मे गॉड ब्लेस देम, आई जस्ट प्रे कि वो सब ठीक हो जाए, एंड किसी और किसी को भी, किसी की भी फैमिली को इस चीज़ से जाना नहीं पड़े. एंड गाइज, आप सब जो भी यंग लोग हो, प्लीज डोंट टेक इट एज, देख लेंगे. यू कैन बी अ कैरियर एंड यू कैन, दोस्तों मैं अभी भी मतलब सामान लेने में निकला था बाहर, ऐसे बच्चे मतलब बाहर विदाउट मास्क साइकिलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ट्रैफिक है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक है. मैं टेस्ट करवाने गई थी, इट टुक मी 1 hour टू रीच, लाइक जो डिस्टेंस मुझे यूजुअली 5 minutes लगता है, इतनी ट्रैफिक है. एंड आउट देयर, गोइंग आउट देयर एंड सीइंग इतने सारे लोग सफरिंग, क्राइंग फ्रॉम दिस, इट्स डिस्टर्बिंग, वेरी. तो ग्राउंड रियलिटी पे आप जब बच्चे लोग देखोगे ना कि देश के साथ क्या हाल हो रहे हैं, ये अगर आपके साथ हुआ ना, भगवान करे कभी नहीं हो, लेकिन इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. तो मम्मी पापा घर पे थे, चाचू चाची आदि जशुतनी भी, चाची वेंट टू द हॉस्पिटल. चाचू को काफी, उनको थ्रोट में इन्फेक्शन था, ही कुडंट टॉक. सो चाचू चाची के लिए हम थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस थे, क्योंकि दे आर अ लिटिल ओल्डर,
एंड ऊपर वालों के लिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस था, सेकेंड फ्लोर वालों के लिए, क्योंकि चाचू चाची आदि दे कम इन दैट जोन या जो जो थोड़ा वल्नरेबल है या इस बीमारी को. यू आर लाइक प्रेइंग मम्मी पापा तो हेल्दी है, वो लोग दे मैं आर ध्यान दे वेरी दिया. फिट. तो मतलब उन लोग उन दे रिकवर्ड वेरी फास्ट, आर पेरेंट्स रिकवर्ड वेरी फास्ट, आदि वॉज ऑल्सो फाइन. मतलब वो बच्चा है, हम लोग लाइक वी वर क्राइंग, वी वर वेरी स्कैर्ड कि इतने छोटे बच्चे को हो गया. वो डांस करके हमको दिखा रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है. ही वॉज ट्राइंग टू बी यू नो द लाइट इन ऑल दिस डार्कनेस अभी भी. एंड दैट इज समथिंग, मतलब आई कुडंट वॉच, मतलब डेली. सो जस्ट मेक श्योर, बस इतना ही बात करना था. या मतलब मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये देख रहे हो, एंड भगवान ना करे अगर आपके घर पे ऐसी सिचुएशन आती है, आप यंग हो, आप नेगेटिव हो, कोई भी, या आप पेरेंट हो, आप नेगेटिव हो या बच्चे को हुआ है, सबसे पहले ना पैनिक मत करना. आप पैनिक मत करना, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. या एंड दैट इज बस वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गेट स्कैर्ड एंड टू नॉट गेट सक्ड इन, कि ये मतलब वो दिमाग पे जितना असर पड़ता है कि बहुत डरावना है डरावना है. कोरोना से स्टे ज़्यादा, काम, हाँ कोरोना से ज़्यादा उसका डर है. डर और ओवर थिंकिंग, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बिल्डिंग में किसी को होता है या आपके किसी दोस्त को होता है, तो उससे ना ऐसे मतलब ऐसे स्ट्रेंजर वाला बिहेवियर मत करो. मतलब उसके, इसको जेनोफोबिया कहते हैं, ये आप डरो मत किसी पेशेंट से. आपको आपको यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन अ वे कि यू बी अ लिटिल पॉजिटिव टुवर्ड्स पीपल जो दे आर ऑलरेडी सफरिंग सो मच. तो आप उनसे डरोगे, आप उनसे दूर भागोगे, या सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, लेकिन उनको गलत मत ट्रीट करो. हाँ, बट ऑल्सो अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम आता है, फीवर, कॉफ, एनीथिंग, थोड़ा कोल्ड, थोड़ा सा भी बीमार होते हो ना, ये मत सोचो कि बारिश है, वायरल फैला हुआ है. क्वारंटीन योर सेल्फ प्लीज रूम. प्लीज. माई डैड मॉम डैड ये उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की, जैसे उनको फीवर आया था इनिशियली, इवन बिफोर दे टेस्टेड पॉजिटिव, उन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया, हमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चालू किया, हम लोग को हम मना बुरा कर मान रहे दिया, थे, हम हम लोग लोग बुरा मान रहे थे कि आप लोग ये क्या कर रहे हो मम्मी पापा, क्यों क्या कर रहे हो, फालतू बोल रही बट है. उन्होंने हमसे भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. तो वेन एवर कुछ भी थोड़ा सा भी सिम्टम है, लूज मोशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, यू कैन नॉट इग्नोर इट. कुछ भी होता है वेट क्वारंटीन लॉस, सेल्फ, वेट लॉस भी वेट लॉस, वेट एक लॉस, सिम्टम है. बोथ आर पेरेंट्स हैव लॉस्ट वेट. जशु हैज लॉस्ट अराउंड सिक्स सिक्स सेवन केजीज केजीज. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो लाइक टाइम ऐसा चल रहा है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक 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 चीज पे ध्यान दे रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. हमारी फ्रूट्स, इंडियन रेमेडीज जो है देश की, काढ़ा काढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग, काढ़ा, दैट इज से स्टीम ज्यादा स्टीम, स्टीम स्टीम वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब चीजें इनको ना आप हल्के में मत लो, ठीक है. काढ़ा काढ़ा तो स्पेशली, मतलब जो मम्मियाँ कहती है, जो दादियाँ नानियाँ हमको जो समझाती है, जो इंडियन काढ़ा रहता है उसमें इतनी पावर है ना गाइस, नाउ तो यू गेट रेडीमेड काढ़ाज ऑल्सो, बहुत सारी कंपनीज के बस आपको रेडीमेड पानी में डाल के पानी में गर्म पानी में डाल बॉईल के करके पीना पीना है. है. तो इट इज जस्ट दिन में 2 बार काढ़ा पियो, स्टे हेल्दी. आई नो ये साल ऑलरेडी आपको बहुत परेशान कर चुका है ना, बहुत परेशान हो चुके हो ये सब बातें सुन सुन के. मार्च से चल रहा है ये सब, यही कह रहे, बट मैं आपको फिर से कहूँगा कि जब आपके साथ अगर होगा ना, आपको रियलाइज़ होगा कि ये कैसा है. एक एक पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि अगर डिटेक्ट हो गया आप इससे रिकवर हो सकते हो. हाँ, आज हम लोग ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं आपको कि ये थोड़ा हिम्मत देने के लिए पांच कि लोग यू कैन ठीक गेट आउट है. ऑफ इट, यू कैन गेट आउट ऑफ इट. पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके साथ हुआ है आप निकल जाओगे. ये जो वायरस है ना, दिस इज़ लाइक एन अलार्म टू ऑल ऑफ अस, जो बहुत ही हल्के में लेते हैं खुद की हेल्थ को एंड इवन अपनी फैमिली को. दे डोंट वैल्यू देयर फैमिली. मैं पूरी लास्ट लाइफ है एंजॉय करने के लिए, पूरी लाइफ है बाहर जाके शॉपिंग, पूरी लाइफ है सब प्लीज करने के सब लिए. हो जाएगा यार इस ये टाइम पे जस्ट स्टे अभी. सेफ. वैसे वैसे सब सब लोग घर पे बैठे रहते थे, अभी हाँ, बाहर कि अभी हम अभी जॉगिंग करनी है एंटी बाहर जाके, सोशल, एंटी सोशल. अब जब चांस मिल रहा है तो एवरीबडी लाइक बाहर जाना है, जाओ. खुद के इफ साथ इट्स ओनली इफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाहर जाओ. ऐसा नहीं, दवाइयाँ, ग्रोसरीज, आई नो. एंड काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका डेली वेज चलता है, जिनके लिए ज़रूरी है. हम तो बाय गॉड्स ग्रेस प्रिविलेज्ड है, मैं समझ सकता हूँ. लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो एंड इफ योर लाइवलीहुड इज़ डिपेंडेंट ऑन इट, आपका पूरा सब डिपेंड करता है इस पर, तो ध्यान दो. मास्क पहनो, प्लीज़ मास्क पहनो. मैं मजदूर, जो जो मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उन तक भी प्लीज ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ. प्लीज प्लीज़ आपके लिए तो ध्यान दो. खासकर हमने ये वीडियो बनाया है,
ध्यान दो उसको, हल्के में मत लो। डिलीवरी जो डिलीवरी देते हैं घर पे, ट्राई एंड अवॉइड 1 डे डिलीवरीज, 2 डे डिलीवरीज, एक्सप्रेस डिलीवरीज, जो भी होता है, बिकॉज यू हैव नो आइडिया उन लोगों को क्या छोड़ के उनके कमीशन कट होते हैं अगर आप, अगर वो तभी का तभी डिलीवर नहीं करेंगे प्रोडक्ट. सो मेक श्योर अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर भी रहे हो तो डोंट डू एक्सप्रेस शिपिंग. हाँ, मतलब ये छोटी छोटी चीज, इट जस्ट और बी अ बेटर घर में जो भी ह्यूमन आता बींग. है सैनिटाइज करो, सैनिटाइज वेरी इंपॉर्टेंट. किधर से भी हो सकता है, आप देखो मम्मी पापा को काम, वी आप हैव नो आइडिया, नो आइडिया. तो ध्यान वेजिटेबल्स दो। एंड मेरे मॉम डैड सुबह से वेजिटेबल्स, वेफर्स, जो भी घर में आता सब सैनिटाइज कर, सब, मतलब एक एक चीज मेरे का को लग ध्यान रहा है उन्होंने रखा शायद था. यही चीजों की वजह से शायद उन्होंने इतने ज्यादा प्रिकॉशंस लिए और ये सैनिटाइज किया कि उनको शायद किसी सरफेस से हुआ है। मेरे को तो ऐसा, दिस इज व्हाट आई थिंक। बिकॉज दे वर डूइंग एवरी थिंग, इवन वेन यू वर लाइक हम करते हैं, दे वर लाइक नहीं हम कर आपको लेंगे, पता हम है पेरेंट्स करेंगे, हम कैसे होते करेंगे, हैं, हम जिद्दी होते करेंगे. हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है जिसको आप जानते हो, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, आप उनसे एक बार सलाह कर लो, एक बार बात कर स्टे लो। इन टच, एंड बिकॉज उनको हमारा बेवकूफ भी मत समझो आप। आप उनको ये नहीं बुलाए कुछ भी बोल रहे हैं तो हमेशा ऐसे बोलते हैं, नहीं, इस वक्त वो आपके सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। उनकी बातें सुनो, वो लोग ने पढ़ाई की है, दे हैव ऑल द आइडिया। इधर सब अगर ऐसे सोचेंगे हम सयाने हैं हमको सब आता है, वो चलेगा नहीं भाई। बट डोंट लेट इट गेट टू यू. डोंट डोंट यू डोंट हैव टू स्टे गाइस, स्ट्रांग फॉर द पीपल हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग फॉर द पीपल हु आर गोइंग बी थ्रू द दिस. बैकबोन ऑफ द हाउस, बी द पिलर ऑफ योर हाउस। एंड मैं इनके लिए बोल रहा हूँ जिनको नहीं होता, अगर आसपास आपके हो गया, बी स्ट्रांग, ध्यान दो अपनी फैमिली को। एंड जब आप केयर करोगे एंड दे'ल रिकवर ना, आप खुद को प्राउड फील करोगे अपने ऊपर, यू विल फील वेरी हैप्पी। ठीक है, एंड गाइस प्लीज ध्यान दो। मुस्की और मेरी आप सबसे वापस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज बाहर जा रहे इतना, हो हाँ, तो मास्क पहनो। मास्क, सैनिटाइज प्रॉपरली, हमने पूरा घर सैनिटाइज करवाया था, सब सब किया है हमने. बस जस्ट टेक केयर, एंड प्लीज टेक आज हम केयर. आपको ना बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हम कुछ जो भी मैसेज आपको दे रहे, प्लीज गिव दिस मैसेज टू एवरीवन। ठीक है, दिस कैन हैपन विद एवरीवन, एवरीवन, एनीवन आउट देयर। एंड खास कर मैं वापस बोलूंगा, आई डोंट नो, मैं कोई बार बार कहने का मन कर रहा है, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, प्लीज आप लोग ध्यान दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज. प्लीज गाइज। ठीक है, एंड वी बोथ प्रे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए और ये जो घटिया बीमारी आई है इससे हम सबको छुटकारा मिल जाए। थैंक यू गाइज, प्लीज टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।